प्रभाव बताना चाहूंगा। एक बार माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए श्री दुर्वासा जी महाराज पितरलोक पहुंचे, ठीक है, पितरों से मिलने पहुंचे तो उनके कान में आवाज पड़ी, हाय मर गए, हाय मर गए, अरे बचाओ, अरे जल गए, अरे जल गए। दुर्वासा जी ने पूछा, भैया ये क्या है? पितरलोक कहते, महाराज बगल में ही नर्क है, ये वहां की आवाजें आ रही हैं, हम तो आदि हैं इस आवाज के। और महाराज उसमें सबसे क्लिष्टकारी कोई नरक है तो कुंभी पाक है। जो व्यक्ति माता पिता का, गुरु का, संत सदगुरु ग्रंथ का अपमान करता है वह उस कुंभी पाक नरक में सड़ता है। दुर्वासा जी महाराज संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, आज पिघल गए। उस नरक के अंदर झांका तो सभी आनंद से नाचने लग गए। जो वहां जल रहे थे, जो वहां तप रहे थे, थोड़ी ही देर में नरक में आनंद गूंजने लगा। सभी देवता विस्मित हो गए। देवता कहते, भैया यदि सबको नरकों में मौज ही आने लगी तो नरकों से डरेगा कौन? गए हैं शिव के पास। भगवान शिव ने कहा है कि भस्म का प्रताप है। जैसे ही दुर्वासा जी कुंड की ओर झुके, उनके माथे पर लगे भस्म के दो चार कण नरक में गिरे, जिस कारण यह नरक आज आनंददायक हो गया है। वह कुंभीपाक पवित्र हो गया था, वह कुंभीपाक देना पड़ा पितृ तीर्थ, नवीन कुंभीपाक बनाना पड़ा। ये भस्म का प्रताप है।